बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे पॉसिबल जनरेटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेली के आप 5 लेक्चर्स भी करें तो इंशाल्लाह आपका 4 दिसंबर तक मिड का सिलेबस कवर हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके मिड में जितने टॉपिक हैं वो 4 दिसंबर तक कम्प्लीट हो जाएंगे, जो कि अभी के स्टूडेंट हैं। जो इसके बाद बैच आएगा, जाहिर सी बात है उनकी कोई और डेट्स होंगी। तो स्टार्ट करेंगे पॉसिबल जनरेटिंग को। पॉसिबल आइडेंटिटी के अंदर आपके पास ये थ्योरम, आपने प्रूव करना है, क्या कह रहा है कि अगर फोरियर सीरीज कन्वर्ज करती हैं यूनिफॉर्मली फंक्शन ऑफ एक्स को, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करने का मतलब होता है कि वो आपका जो भी फंक्शन है वो आपके पास जितने भी उसके डोमेन के अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, डज नॉट डिपेंड अपॉन द गिवन पॉइंट्स ऑफ डोमेन। इसका मतलब होता है कि फोरियर सीरीज जो आपका गिवन फंक्शन होगा वो उसको कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली टू फंक्शन ऑफ एक्स इन माइनस एल टू एल, और उसके जो इंटीग्रेशन जो अपर और लोअर लिमिट है वो माइनस एल टू एल है। अब आपने प्रूव करना है कि ये पार्सेवल्स आइडेंटिटी की यह जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल है। इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे फोरियर सीरीज को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि फोरियर सीरीज आप एफ एफ एक्स कन्वर्ज कर रही है ना यूनिफॉर्मली एफ एफ एक्स को, तो हम फोरियर सीरीज का ही एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम कोई भी हमारे पास ये जो गिवन फोरियर सीरीज की फॉर्म है, ये जो फोरियर सीरीज की एक्सपेंशन पूरा फार्मूला था, इस वाले फॉर्म को एफ ऑफ एक्स से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर चाहिए ना, तो इस फोरियर सीरीज को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इंटीग्रेट आपके पास हो रही है माइनस, उसने कहा है कि कन्वर्ट करेगी यूनिफॉर्मली और माइनस एल टू एल, तो आप उसको इंटीग्रेट करें माइनस एल टू एल, तो हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट भी करेंगे माइनस एल टू एल और मल्टीप्लाई भी करेंगे एफ ऑफ एक्स के साथ। अब एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सारी वैल्यूज को देखने के बाद अब आपके पास जो नेक्स्ट है वो क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स माइनस एल टू एल, ये फंक्शन यहाँ पे बन गया। फिर ए नॉट ओवर टू के साथ भी एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हुआ, इस वाले ए एन वाली फॉर्म के साथ भी एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हुआ, और ये बी एन वाली टर्म के साथ भी एफ ऑफ एक्स क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। ए एन बी एन कॉन्स्टेंट है, बाहर चले जाएंगे। अब आपके पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपको ए एन का फॉर्मूला बताया, अब आपको ए एन का क्या फॉर्मूला बताया, वन ओवर एल फंक्शन ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स, ठीक हो गया। ये फॉर्मूला आपके पास, एल इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए एन एल किसके इक्वल हो गया, इस फंक्शन के इक्वल हो गया। तो अब आपके पास ए एन एल की वैल्यू आ गई है, ये कुछ इस तरह। अभी आप देखेंगे कि आपको अब हम इसको लिख क्यों रहे हैं, इसी तरह से ये आपके पास बी एन का फॉर्मूला फंक्शन ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल, तो अब आपके पास बी एन का फॉर्मूला भी आप इसको इसी तरह लिखे ना, कंफ्यूज ना हो, मैं लिख लेती हूँ उधर बी एन, यहाँ पे आपके पास बस साइन होगा, और उसी तरह से यहाँ पे एल डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास वन फंक्शन ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल, यहाँ एल जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो बी एन एल हो जाएगा। इसी तरह से जब आप ए नॉट का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ए नॉट क्या होता है, ए नॉट वन ओवर एल फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ अगर मैं ए नॉट कर देती हूँ तो वन ओवर एल फंक्शन ऑफ एक्स, और ये डी एक्स होता है वन ओवर एल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, एल इधर डिवाइड हो रहा है, उधर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए नॉट एल हो जाएगा, तो ए नॉट एल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। अब आपके पास ए नॉट एल बी एन एल और आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब आप इसको इक्वेशन ए के अंदर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपके पास देखें एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस एफ ऑफ एक्स डी एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई ए नॉट एल, हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जगह ए नॉट एल पुट कर दिया। इस एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स ओवर एल की का आंसर आ गया आपके पास ए एन एल, एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स ओवर एल का आंसर ए एन एल, इस पूरी टर्म की जगह ए एन एल पुट कर ली, और यही वाला ए एन एज इट इज आ गया, इस वाले फंक्शन का आंसर बी एन एल आया, तो यहाँ पे बी एन एल पुट कर लिया। अब आपके पास ए नॉट स्क्वायर बाई टू वैल्यू बन गई, समीशन साइन ए स्क्वायर ए एन स्क्वायर और बी एन स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे दोनों टर्म के अंदर एल आ रहा है, हम एल कॉमन ले सकते हैं। अब आप एल को टोटल भी कॉमन ले सकते हैं, आप बस इन दोनों टर्म्स के अंदर भी एल आ रहा है और इस टर्म के अंदर भी एल आ रहा है, तो एल हमने कॉमन ले लिया, एल कॉमन ले लिया, यहाँ एल मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे फंक्शन ऑफ एक्स के साथ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो वन ओवर एल फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर इन ऑर्डर का स्क्वायर ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर, आपके पास हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया। तो यह थी आपके पास पार्सेवल्स आइडेंटिटी, इसके रिलेटेड हमारे पास अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर लेक्चर नंबर 27, लेक्चर नंबर 27 के अंदर आपको उसने एक फंक्शन दे दिया, अब आपने इस फंक्शन को प्रूव करना है पार्सेवल्स आइडेंटिटी को यूज करके। किस तरह से आप प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो आपको फोरियर सीरीज का फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, फोरियर सीरीज के अंदर ये जो कोफिशियंट्स हैं ए नॉट ए एन बी एन, इनकी वैल्यूज पता, फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, ए नॉट वन ओवर एल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स है, ए एन क्या है, बी एन क्या है, ये पता होना चाहिए। अब अगर तो वो आपको क्वेश्चन में ए एन ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू दे देता है तो अच्छी बात है, आपको फाइंड नहीं करनी पड़ेगी, और अगर वो आपको क्वेश्चन के अंदर ए एन ए नॉट और बी एन की वैल्यू नहीं देता तो आपको फॉर्मूलाज की हेल्प से उस फंक्शन को, जैसे हमने लास्ट टाइम फोरियर सीरीज में ए नॉट ए एन बी एन फाइंड करते हैं, वो हम सॉल्व करेंगे और तब हमारे पास ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू आएगी। अभी इस क्वेश्चन में उसने आपको ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू गिवन दे दी है और आपने इस फंक्शन से एक्स माइनस टू से टू है ये चीज जो है वो प्रूव करनी है। अब आपने ये भी डिड्यूस करना है, ये भी प्रूव करना है कि ये वाली एक्सपेंशन, ये जो सीरीज है 1 की 4, 2 की 4, 3 की 4, 4 पावर ये पावर 4 अवर 90 के इक्वल है। अब हम उसी पार्सेवल्स आइडेंटिटी को यूज करेंगे जैसे कि उन्होंने कहा है,
है, आपको बस आइडेंटिटी ये है ए नॉट ए एन बी एन की, उन्होंने वैल्यू बता दी है, ए नॉट की वैल्यू क्या है 2, ए एन की वैल्यू क्या है 4 ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 और बी एन की वैल्यू क्या है 0। सारी वैल्यूज आपको पता है, डायरेक्ट आप फंक्शन के अंदर फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। वैल्यूज को पुट करने से पहले आपको एल पता लगाना है, एल क्या होगा तो आप एल को किसी भी तरह से पता लगा सकते हैं, 2 इंटू अपर लिमिट इंटू प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस आता है माइनस बस जो ओके माइनस 2 और इसको फिर हम 2 से ही डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास बस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 4 ओवर 2 आपके पास एल क्या आ गया 2 आ गया। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, इस तरह से आपके हैंड आउट पे जैसे लिखे हैं वैसे भी देख सकते हैं आप 1/2। अब आपके पास इक्वेशन 1 के अंदर जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स आपके पास मॉड ऑफ एक्स है, तो आप जब आप एक्स की एक्स का स्केयर लेंगे ना आपके पास पार्सेवल्स आइडेंटिटी क्या है एफ ऑफ एक्स का स्केयर, तो यहाँ पे एक्स का मॉड ऑफ एक्स का स्केयर लेंगे तो आप बस ये एक्स का स्केयर ही बन जाएगा, तो एक्स का स्केयर डी एक्स। ए नॉट की वैल्यू क्या है 2, 2 पुट किया नीचे 2 एज इट इज। ए एन की वैल्यू क्या है 4 ओवर एन स्केयर पाई स्केयर माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 और इसका स्केयर है तो 4 का स्केयर क्या हो गया 16 और एन स्केयर क्या हो गया एन 4 और पाई का स्केयर अगेन पाई का स्केयर लेंगे तो वो पाई 4 और यहाँ पे माइनस 1 का पावर एन और माइनस 1 प्लस बी एन की वैल्यू पुट करनी है और बी एन उसने बता दिया आपको कि क्वेश्चन में 0 है वो पुट कर लिया और अगर आपके पास वैल्यू होती तो आपने इसका भी स्केयर लेना था। अब आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सॉल्व किस तरह से करेंगे देखिए, वैल्यूज को एन को ओपन करना है। सबसे पहले तो आप इसको इसकी इंटीग्रेशन कर लें, एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन आपके पास आएगी एक्स क्यूब बाई 3 और एक्स क्यूब बाई 3 आएगी, फिर आप इसके बाद इसके अंदर लिमिट्स पुट करेंगे, माइनस 2 से 2 लिमिट्स हैं आप लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करने के बाद आप बस इसका आंसर 8/3 आएगा, 1/3 बाहर रख लेना तो जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो आप बस 8/3 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। आप देखें यह 2 का स्क्वायर ओवर 2 है, ये 4 हो जाएगा, 4/2 आप बस 2 आ गया। अब आप बस इस वाली वैल्यूज को देखते हैं कि ये किस तरह से ओपन होंगी। अच्छा अब आपने इस एक्सप्रेशन को वैल्यूज देंगे ना, एन को 1, 2, 3, 4 वैल्यूज देंगे 16/5 की 4 पाई निकालने के बाद, एन को 1 वैल्यू दी माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 और यहाँ पे भी 1/n की पावर 4 था तो 1 की पावर में यहाँ पे 4 हो गया। इसके बाद एन को 2 वैल्यू दी तो 1/2 की पावर 4 माइनस 1 और एन की जगह पे 2 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 और इस पूरी का स्क्वायर था तो स्क्वायर। फिर एन को 3 वैल्यू दी 1 की पावर में 3 की पावर 1/3 की पावर में 4 माइनस 1 और इसकी पावर में एन, तो एन की जगह 3 पुट किया तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 और इस पूरे का स्क्वायर हो गया। अब देखें माइनस 1 की पावर 1 है तो माइनस 1 ही आएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, फिर माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा प्लस 4 आएगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 आ गया। इस माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 1 आएगा और 1 माइनस 1 क्या होता है 0 होता है, तो जिसकी वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा 0 के ही इक्वल हो जाएगा। इसके बाद माइनस 1 का क्यूब क्या होता है माइनस 1 होता है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर लेना है तो माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास प्लस 4 होता आ जाएगा। इसी तरह से आप एन 4 पुट करेंगे एन 5 पुट करेंगे एक्सप्रेशन आता जाएगा, ऑड वैल्यूज के लिए आपके पास वैल्यूज आएंगी, इवन के लिए ये वैल्यू 0 होती जाएंगी, जैसे ये 2 के लिए एक्सप्रेशन 0 हो गया इसी तरह से आपके पास 4 के लिए 6 के लिए एक्सप्रेशन 0 होता जाएगा। आप देखिए यहाँ पे सारे कहीं 4 इस आर्ड वाले में 3 वाले में भी 4 आएगा, 5 वाले जब इन 5 पुट करेंगे तब भी 4 आएगा, सारे एक्सप्रेशन में 4 आ रहा है तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं। ये 1 की पावर 4 1/3 की पावर 4 1/5 की पावर 4 इकट्ठा कर लिया और इनके ऊपर ये जो नॉमिनेटर में जितने 4 आ रहे हैं ये स्केयर लेने से वो हमने कॉमन ले लिया। जब हमने 4 कॉमन ले लिया तो 4 बाहर चला जाएगा तो 16 × 4 = 64/5 हो जाएगा और आपके पास ये एक्सप्रेशन बनकर आ जाएगा। अब यहाँ तक करने के बाद आपने इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है। यहाँ तक हमने इस सारे पार्ट को देखा, जैसे अब आपके पास 8/3 = 2 आ रहा है तो आप 8/3 इस सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और फिर ही 4/96 के ये वैल्यू जो है वो इक्वल आएगी। इसको प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके ये पार्ट। 8/3 = 2 ये आपके पास एक्सप्रेशन था 2 + 64/4 और आपके पास यहाँ पे ये ऑड की पावर है 1 की पावर 4 3 की पावर 4 ये सारे 1, 3, 5 ऑड नंबर्स हैं इनकी पावर्स हैं। अब 8/3 - 2 एलसीएम लेंगे आपके पास 2/3 आएगा, ये 64/5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो ये वैल्यू उल्ट हो जाएगी, 4/64 हो गया। वैल्यूज को कैंसिल आउट करेंगे तो 4/96 आपके पास इस 1 की पावर 4 3 की पावर 4 5 की पावर 4 के इक्वल हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे उन्होंने प्रूव की हुई है जो कि यहाँ पे आप बस डायरेक्ट लिख दी गई है, ठीक हो गया। अब आपके पास
ये चीज प्रूव होगी। इसके बाद आपका इसका जो नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, वो ये है कि आपने ये सारी वैल्यूज को डिड्यूस करने का, अब आपने इस वैल्यू को डिड्यूस करना है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखें यहाँ पे आपके पास 1 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 सारे ऑड नंबर्स की वैल्यूज है, ठीक है, ऑड नंबर्स की एक्सपेंशन है या सीरीज है। अब आप यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3 अप टू 1, 4, 5, 6 ये सारे नेचुरल नंबर्स जा रहे हैं, तो अब हम इस एक्सप्रेशन के अंदर से ऑड वाली टर्म्स को और इवन वाली टर्म्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। 1 की पावर 4, 3, 1, 3, 5 वाली अलग कर ली, ऑड वाली, और 2, 4, 6, 8, 9 वाली अलग कर ली। अब क्यों अलग किए हैं, क्योंकि हमें पता है ऊपर वाली एक्सप्रेशन से कि जो 8 नंबर्स की सीरीज हैं वो π/4/96 के इक्वल है, तो हमने इनको सेपरेट करके इस सीरीज की जगह पे π/4/96 लिख लिया। अब इस एक्सप्रेशन से आप 2 की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, किस तरह से, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर 2 की पावर 4, 4, 4 की पावर 4, 2 इजिली कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लिया। अंदर आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया 1, 2, 3 की पावर 4। अब ये π/4/96 हो गया 1/2 की पावर 4, और ये वाला एक्सप्रेशन 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, क्वेश्चन के अंदर उसने आपको बता दिया कि ये वाला एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, एस के इक्वल है। तो देखें जो आपको क्वेश्चन में इसने बताया 1 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 हमने लेट किया था कि वो एस के इक्वल है, ठीक हो गया। इस सारे एक्सप्रेशन की जगह ये लेट किया था, इस सारे एक्सप्रेशन की जगह हमने एस लिख दिया। अब मैं इसको मजीद सॉल्व करूंगी, हमने इसको सॉल्व कुछ इस तरह से करना है। ये एक्सप्रेशन आपके पास बन रहा है यहाँ पे, प्लस 1 की पावर 1/2 की पावर 4 ऐसे है, इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 2 की पावर 4 ओपन कर लिया, 16 होता है 2 की पावर 4, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8 एंड 8 2 टाइम 16, तो आपके पास इसका एलसीएम लेंगे 16s-s 15s/16 हो गया, यहाँ s के साथ 15/16 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 16/15 हो जाएगा, यहाँ 15/16 है, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 16/15 हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यूज को कैंसिल आउट करने के बाद π/4/90 इस वैल्यू का s का आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने प्रूव करना था। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है, और आप जो हमने s लेट किया था वही s यहाँ पे इसके इक्वल हो गया। अब आप इसके बाद यहाँ पे लिख भी दें कि 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन π/4/90 के इक्वल है। इसके बाद जो लेक्चर नंबर 28 है, इसके अंदर आपने फोरियर सीरीज को इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करना है। आगे तो हमने फोरियर सीरीज, आपके पास कोई फंक्शन गिवन होता था उसके ऊपर फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लगाते थे और फिर वहां पे ए नॉट ए एन बी एन फाइंड करते थे, उसको एक्सप्रेशन में पुट करते थे और हमारे पास फोरियर सीरीज से हम सॉल्व कर लेते थे, ठीक हो गया। अब आपने इस आपके पास जो फंक्शन गिवन होगा उसको इंटीग्रेट करना है टर्म बाय टर्म, उसके ऊपर आपके पास जो भी लिमिट्स गिवन होंगी वो पुट करनी है, और फिर आपने बताना है कि फोरियर सीरीज को बाय इंटीग्रेशन भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। आपके पास जो फंक्शन गिवन है, थ्योरम पहले रीड कर लेते हैं, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फोरियर सीरीज ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स कैन बी इंटीग्रेटेड बाय टर्म फ्रॉम ए टू एक्स एंड द रिजल्टिंग सीरीज विद कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। आपके पास हम फोरियर सीरीज को, जो भी आपका फंक्शन गिवन होगा, हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय टर्म फ्रॉम ए टू एक्स, जो भी आपके पास लिमिट गिवन है, और आपके पास उसका रिजल्टिंग रिजल्ट क्या आएगा उस फोरियर सीरीज को इंटीग्रेट करने से, वो सीरीज भी कन्वर्ज करेंगे यूनिफॉर्मली उसी फंक्शन ऑफ एक्स को, और वो फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, वो पीस वाइज कंटिन्यूस होगा। पीस वाइज कंटिन्यूस को हमने बहुत डिटेल से देखा जब आपने फोरियर सीरीज को स्टार्ट किया, डिटेल से क्या देखा था कि पीस वाइज कंटिन्यूस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, किस तरह से आप पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, हम पीस वाइज का मतलब क्या होता है आपके पास किसी ग्राफ, फिर बता देती हूँ। ग्राफ के अंदर आप कोई भी ग्राफ बनाते हैं, वहां पे आपके पास कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहता, फंक्शन अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देता है, और उन स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यू होता है। तो आपके पास पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन भी यही है, इट्स अ फंक्शन डेट हैज एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज। तो जिन पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाता है उसको आप पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे। इसके बाद आपके पास ये एक पहली फंक्शन के लिए, और दूसरी क्या है कि आपके पास जो भी पॉइंट्स हैं ए टू एक्स वो आपके पास इसी इंटरवल के अंदर से आने चाहिए। आप देखिए प्रॉब्लम क्या है, फोरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है, आपने ये प्रूव करना है, और आपके पास एक्स जो है वो 0 से 2 के अंदर है, और आपने ये वैल्यू भी एवेलुएट करनी है कि ये वैल्यू किसके इक्वल आती है। गिवन फंक्शन उसने आपको दे दिया, एक्स दे दिया, अब आपने इस एक्स को एक्स का स्क्वायर बनाना है, इस एक्स को एक्स का स्क्वायर बनाना है, लिमिट्स भी आपको पता है इंटीग्रेट करेंगे, एक्स को एक्स का स्क्वायर बनाना है, तो आप इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो इजिली आपके पास एक्स का स्क्वायर दोनों साइड पर इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास इजिली एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, और उसकी पावर में जो वैल्यू एड करते हैं 1+1 वही नीचे डिवाइड भी कर देते हैं। 4/π, आप साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस पाई, साइन की इंटीग्रेशन होती है -cos π x/2,
ठीक है। और ये जो अगेन पाई एक्स ओवर टू की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास पाई ओवर टू यहाँ पे आएगा, डिवाइड में पाई ओवर टू आएगा, और ये पाई ओवर टू जब ऊपर शिफ्ट होगा तो वह टू ओवर पाई हो जाएगा जब यहाँ पे पाई ओवर टू आएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टर्म माइनस वन ओवर टू साइन की अगेन इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगी, यहाँ पे माइनस कॉस आएगा और ये माइनस, और ये जो ऑलरेडी इसके बाहर माइनस पड़ा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लिख दिया, और साइन टू पाई एक्स ओवर टू की इंटीग्रेशन कॉस टू पाई एक्स ओवर टू, और अगेन इस इनर टर्म की इंटीग्रेशन टू पाई ओवर टू आएगी, जो कि ऊपर जाके आपके पास टू ओवर पाई हो जाएगी, टू पाई ओवर टू आएगी ना यहाँ पे आपके पास, अगर मैं आपको लिख के बताऊँ यहाँ पे टू पाई ओवर टू आएगी ना, तो ये उन्होंने यहाँ पे टू का स्क्वायर करके लिख दिया। सिमिलरली जब आप यहाँ पे आएंगे तो साइन इंटीग्रेशन माइनस कॉस थ्री पाई एक्स ओवर टू, और अगेन इसके डिनोमिनेटर में थ्री पाई ओवर टू आएगा, जो कि टू पाई ओवर थ्री हम दोबारा यहाँ नीचे लिखेंगे, और फिर यहाँ पे भी थ्री था जो यहाँ पे भी आपके पास थ्री आएगा, तो ये थ्री और ये थ्री मिलकर थ्री का स्क्वायर उन्होंने कर दिया, और यहाँ पे साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगी तो ये माइनस साइन बाहर, इस तरह से ये सीरीज चलती जा रही है। अब आपने इसकी लिमिट्स पुट करनी है, जीरो टू एक्स लिमिट्स पुट करनी है, पहले लिमिट पुट करेंगे एक्स, जब एक्स पुट करेंगे तो फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, जब जीरो पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ओपन भी किया, जब आप जीरो पुट करेंगे कुछ इस तरह से आपके पास एक्सप्रेशन आएगा माइनस कॉस पाई एक्स ओवर टू प्लस वन, इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पे भी इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, टू ओवर पाई वन ओवर टू का स्क्वायर एज इट इज, कॉस टू पाई एक्स ओवर टू एक दफा एज इट इज, जब एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज को देखने के बाद अब आप एक्सप्रेशन की तरफ चलें, जो आपके पास कॉस पाई एक्स ओवर टू प्लस वन का एक्सप्रेशन है वो आप देखिए यहाँ पे, अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास वैल्यूज किस तरह से बन रही हैं, एक आपके पास कॉस पाई एक्स ओवर टू की वैल्यूज है, ठीक है, यहाँ पे भी कॉस पाई एक्स ओवर टू है, यहाँ पे भी कॉस थ्री पाई एक्स ओवर टू है, देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके पास कॉस जो है वो वैल्यूज कॉस की वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो रही है, पहले कॉस पाई एक्स ओवर टू था, फिर कॉस टू पाई एक्स ओवर टू हो गया, फिर थ्री पाई एक्स ओवर टू हो गया, अब टू सो ऑन, ये इस तरह से चलता जा रहा है। तो आप यहाँ पे जितनी भी कॉस वाली टर्म्स हैं वो अलग कर ली, कॉस टू पाई एक्स ओवर टू, कॉस थ्री पाई एक्स ओवर टू, ये सारी अलग कर ली, कॉस पाई एक्स ओवर टू, कॉस टू पाई एक्स ओवर टू, कॉस थ्री पाई एक्स ओवर टू सेपरेट आउट कर ली। अब इनके साथ बाहर क्या है, यहाँ पे वन ओवर टू का स्क्वायर है, यहाँ पे इसके साथ वन ओवर थ्री का स्क्वायर है, और इस वाली टर्म के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो आज इट इज वन ओवर टू का स्क्वायर वन ओवर थ्री का स्क्वायर आ गया। अब कॉस वाला एक्सप्रेशन तो हमने देख लिया कि हमने ये सारे एक्सप्रेशन को सेपरेट आउट कर लिया है, अब जब आपके पास यहाँ पे सारी टर्म्स के अंदर टू ओवर पाई टू ओवर पाई टू ओवर पाई आ रहे हैं, तो आप टू ओवर पाई को कॉमन ले सकते हैं, तो टू ओवर पाई को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपके पास एट ओवर पाई का स्क्वायर बन गया, ये टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब यहाँ पे ये टू इधर शिफ्ट होगा तो एट ओवर पाई के स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो एट इंटू टू सिक्सटीन ओवर पाई स्क्वायर ये टर्म आ गई, और उसके बाद आपके पास ये सीरीज आएंगी जो कि आपके पास यहाँ पे आ रही है, वन ओवर टू का स्क्वायर वन ओवर थ्री का स्क्वायर पहली प्लस में, फिर अगली माइनस में, फिर इस तरह से आपके पास प्लस माइनस में ये सीरीज चल रही है, ये आ गया। अब आप इस सीरीज को आपने क्या बनाना था, इस फंक्शन को एक्स का स्क्वायर बनाना था, बना दिया आपने, अब आपने फोरियर सीरीज का फॉर्मूला यूज करना है। फोरियर सीरीज का फॉर्मूला आपके पास ये है, ए नॉट एन कॉस एन पाई एक्स ओवर टू, बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर टू। अब आप वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, कंपेयर किस तरह से करेंगे, कंपेयर अबव रिलेशन विद जनरल फॉर्म। अब आपके पास ये फोरियर सीरीज का फॉर्मूला, अब आप इसके साथ जब इस फंक्शन को कंपेयर करेंगे तो आपके पास ए नॉट ओवर टू का आंसर क्या आएगा, देखें ए एन कॉस एन पाई एक्स ओवर टू, तो ये आपके पास कॉस वाली सीरीज, ये वाला फंक्शन इस वाले फंक्शन के साथ कंपेयर हो गया, इक्वल हो गया, ए नॉट ओवर टू ये कांस्टेंट है, इसके साथ आपके पास ये वाला फंक्शन कंपेयर हो गया, साइन एन पाई एक्स ओवर टू की यहाँ पे कोई सीरीज नहीं आई है, तो बी एन यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब ए नॉट ओवर टू किस वैल्यू के इक्वल हुआ है, इस वाली वैल्यू के, इस सारे पार्ट के इक्वल हुआ, और ए नॉट ओवर टू का फॉर्मूला क्या होता है, वन ओवर एल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आपके पास यहाँ पे सिर्फ ए नॉट लिखा है ना, तो ए नॉट का फॉर्मूला क्या होगा, वन ओवर टू एल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ये कन्फ्यूज नहीं होना आपने। सिक्सटीन ओवर पाई स्क्वायर वन माइनस वन ओवर टू स्क्वायर वन थ्री स्क्वायर, ये सारा वैल्यू उसको कर लिया आपने। अब आपके पास अब आप वैल्यूज को इंटीग्रेट करेंगे किस तरह से, आपको पता है कि वन ओवर एल फंक्शन ऑफ एक्स आपको गिवन है, एक्स है, इंटीग्रेशन की एक्स स्क्वायर ओवर टू हो गया, टू बाहर चला, एक्स स्क्वायर ओवर सॉरी एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन की एक्स क्यूब ओवर थ्री हो गया, वन ओवर टू फॉर्मूले का, वन ओवर एल, एल आपके पास टू है, एल टू किस तरह से है यहाँ से देख लें, टू माइनस आपके पास ये एल है, टू माइनस आप वैल्यूज को इस तरह से चेक करें, ये जीरो और ये टू, आपका फंक्शन जीरो और टू के दरमियान में है, तो आपके पास अब पहली लिमिट जो है वो जीरो और दूसरी लिमिट टू है, तो आपके पास यहाँ पे एल टू है, और आप एक्स क्यूब ओवर थ्री करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, और लिमिट्स पुट करने पे आपके पास आज का आंसर फोर ओवर थ्री आएगा। लिमिट्स पुट करनी आपको आती होंगी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, आप देख लें क्या होता है, थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर में वन ओवर सिक्स आ गया, उसके बाद आपने यहाँ पे पहली लिमिट पुट करनी है, तो टू के टू का क्यूब आपके पास एट हो जाएगा, और फिर आप जीरो पुट करेंगे तो एट माइनस जीरो, ये टू फोर टाइम
8 हो गया और 2 3 टाइम 6 हो गया तो 4/3 आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आपने कि आपके पास ए नॉट का आंसर आ चुका है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या बन जाएगी, केवल इक्वेशन के अंदर आप अगेन अपनी वैल्यूज को पुट करें, ए नॉट अवर 2 की वैल्यू 4/3 आई है और ये एक्सप्रेशन ए नॉट वाला इस सारे के इक्वल है, ये सारा एक्सप्रेशन इसके इक्वल 4/3 इधर ही 16/5 के इक्वल इधर ही, ये सारा एक्सप्रेशन आपके पास इस वैल्यू के इक्वल आता है। किस तरह से इक्वल आता है देखिए, -1 की पावर में एन -1, आप एन को वैल्यूज देते जाए, एन 1 to infinity, एन को 1 वैल्यू देंगे तो 1 -1 0, तो आपके पास 1, यहाँ पे भी 1 वैल्यू देंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन तो आपको देगा नहीं कोई वैल्यू। फिर एन को 2 वैल्यू दें तो आपके पास 2 -1 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो -1/2 का स्क्वायर। फिर एन को 3 वैल्यू दें तो 3 का स्क्वायर -1 की पावर में 3 -1, तो -1 की पावर में 3 -1 का स्क्वायर बना और -1 का स्क्वायर आपके पास +1 के इक्वल होगा तो यहाँ पे प्लस आया। फिर आप 4 वैल्यू दें तो यहाँ पे 4 और 4 -1 3, तो -1 की पावर 3 -1 ही होगा तो यहाँ पे -1 आया। इसी तरह से प्लस माइनस आपके पास साइन चेंज होता रहेगा और ये एक्सप्रेशन इस वैल्यू के, हमने इस एक्सप्रेशन को क्लोज करके लिख लिया अगर ये ओपन था तो, अब हमने इसको समेशन साइन में क्लोज कर दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन किस तरह से इक्वल होगा 4/3, इसको भी मैं पहले लिख देती तो ज़्यादा अच्छा था, 4/3 ये 16/5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा, सॉरी पाई इधर आएगा, तो आपके पास 5/16 वैल्यू बन जाएगी। वैल्यूज को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास 4 × 4 4 4 × 16 हो गया और आपके पास यहाँ पे नीचे 4 आएगा, 4 3 टाइम क्या हो गया 12 हो गया, तो 5/12 आपके पास इसका आंसर इस एक्सप्रेशन के इक्वल आ गया। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ये वाली वैल्यू जो आपने क्लोज कर दिया ये किसके इक्वल आती है, π/12 के इक्वल आती है। लेक्चर नंबर 29 के अंदर आपके पास टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करनी है इसी फोरियर सीरीज की जिसको हमने इंटीग्रेट किया। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करके देखना है कि क्या अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें और फिर फोरियर सीरीज के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास वैल्यूज को क्या इक्वल आती है, क्या हमारे पास एक एक्सप्रेशन फोरियर सीरीज का ही आता है। तो देखेंगे, आपने हम इसकी डिफरेंशिएशन की, फंक्शन आपका साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस π/2 एंड अगेन इसी इनर टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो π/2 आएगा। फिर -1/2 साइन का इंटीग्रेशन कॉस होती है, cos 2π/2 एंड अगेन इस अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो 2π/2 आएगा, x1 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका sin 3π/2 का डेरिवेटिव cos और आपके पास अगेन यहाँ पे 3π/2 स्टार्टिंग में आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज लिख लें, अब आपके पास जो चीज़ कामन आती है वो लिख लें, क्या चीज़ क्या वैल्यू कामन आ सकती है कि cos π/2, फिर आपके पास ये एक्सप्रेशन cos 2π/2 का, ये एक्सप्रेशन cos 3π/2 का, आप यहाँ से जो चीज़ कामन ले सकते हैं देखें, π/2 है यहाँ पे, ये 2 आप अगर इससे कैंसिल आउट कर लें, ये 3 इससे अगर कैंसिल आउट कर लें तो आपके पास सारी एक्सप्रेशन टर्म्स के अंदर यहाँ पे भी π/2 आ रहा है, यहाँ पे भी π/2, इस टर्म के अंदर भी π/2 और इस टर्म के अंदर भी π/2 की वैल्यू आ रही है, तो π/2 आप कामन ले सकते हैं, तो बाहर भी 4/π है। जब आपने π/2 कामन ले लिया तो आपके पास ये वैल्यू π से कैंसिल हो गया, 2 2 × 4 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बाकी बच गया, ये एक्सप्रेशन इस तरह से आ गया। अब आप इस cos π/2 cos 2π/2 cos 3π/2 की एक्सप्रेशन को क्लोज करके अगर लिखें तो ये आपके पास वैल्यूज 1, पहले इसके साथ 1 था, फिर 2, फिर 3, अब 1 ऐसे जा रहा है, तो आप यहाँ पे cos(n)π/2 लिख सकते हैं। अब आपने बता दें कि ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कर रही है, तो देखें ये वाला अगर आपके पास ये सीरीज को हमने -1 की पावर n -1 करके लिखा, n को आप जो भी वैल्यू देंगे, जैसे आप n को 1 वैल्यू देते हैं तो cos π/2 -1 की पावर 1 -1 0 हो जाएगा। अब बस कुछ इस तरह से ये सीरीज अगेन इसको हमने क्लोज करके, ये पहले ओपन फॉर्म थी इसको क्लोज करके इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये वैल्यू तो हो सकता है कि 1 के इक्वल हो जाए, और ये जो cos(n)π/2 है ये है एक बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन का मतलब होता है कि इसकी एक रेंज फाइनाइट है, ये एक फाइनाइट वैल्यू तक ही अपनी वैल्यू उसको इंक्रीज कर सकता है, जैसे अगर n 1 to infinity हो तो इसकी एक रेंज फाइनाइट है कि आप इधर तक ही इसको लेकर जा सकते हैं। तो आप सिंपल कहें कि cos(n)π/2 बाउंडेड फंक्शन है, अब आप सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती नहीं है, और आपके पास इसका मतलब है कि इट डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, ये वैल्यू तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकती, तो टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ फोरियर सीरीज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तक था आपका लेक्चर नंबर 29, होप्स आपको समझ आया होगा। यहाँ तक वीडियो काफी लंबी होगी इसलिए हम लेक्चर नंबर 30 में कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में करूँ, तो अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।